पुलिस पब्लिक एसोसिएशन हमीरपुर की एक अहम बैठक पुलिस थाना परिसर में आयोजित की गई, जिसमें हमीरपुर थाना प्रभारी आईपीएस आकृति शर्मा की अध्यक्षता में आगामी रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद ने पिछले दिनों की कार्रवाई पर प्रकाश डाला और गतिविधियों से अवगत करवाया। पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के प्रेस सचिव जसवीर कुमार ने बताया कि बैठक में आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें जिला में नशे के धंधे में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस के साथ मिलकर खाका तैयार किया गया। साथ ही शहर के विभिन्न स्कूलों के आसपास नशे के सामान को बेचने में डटे हुए दुकानदारों पर शिकंजा कसने के लिए योजना भी तैयार की गई। इस अवसर पर एसएचओ आकृति शर्मा ने कहा कि पुलिस को पीपीए का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी इस तरह के काम की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पीपीए सदस्यों के साथ आगामी दिनों में अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का काम किया जाएगा और नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जाएगा। बैठक में शहर में फेरी वालों पर नजर रखने के साथ साथ प्रवासियों के पहचान पत्र की जांचने की भी चर्चा की गई, तो बाजार में अपनी दुकानों के बाहर वाहन ना खड़ा करने की हिदायत भी दी गई। साथ ही निजी बस चालकों की बस अड्डे से चौक पर पहुंचने के लिए लगने वाले टाइम से रोजाना लग रहे जाम से निजात पाने की योजना भी तैयार की गई। आज थाने में मीटिंग हुई पीपीए की, आज नए मेंबर लिए और मेंबरशिप के बारे में बताया और जो नया रणनीति है उसको तैयार कर रहे हैं। नशे में और ट्रैफिक के बारे में रेगिस में चले हुए, जैसे वो बिना कार्ड के चले हुए आजकल, ऐसे घूमे हुए बंदे फेरी फूरी वाले, तो उसके बारे में जो भी कार्रवाई करेंगे साथ में।